الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، حاضرین کرام، اس کائنات میں اللہ رب العزت کی تخلیق کے بے شمار مظاہر ہیں، انہی میں موسموں کا اختلاف بھی قدرت الہی کا عظیم مظہر ہے. اللہ تعالی نے تعریف و تعارف کی مصلحت سے جہاں انسانی مزاج و طبیعت، رنگ و نسل اور خاندان و قبیلے میں اختلاف رکھا ہے، وہیں سال کے موسموں میں بھی تنوع و تغیر پایا جاتا ہے. عمومی طور پر اہل زمین سال بھر میں چار موسموں، گرمی، سردی، بہار اور خزاں سے مستفید ہوتے ہیں. ان میں ہر موسم اپنی الگ خصوصیت اور شناخت رکھتا ہے. گرمیاں ان کھیتوں، فصلوں اور پھگوں کے لیے موزوں اور مناسب ہوتی ہے جو زیادہ درجہ حرارت چاہتے ہیں. سردیوں میں خشک میوہ جات کی بہتات ہوتی ہے جو اپنا منفرد مزہ رکھتے ہیں. برسات کی ہوائیں اللہ کی رحمت کی نوید لاتی ہے اور بارش خشک ٹیلوں اور قحط زدہ علاقوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. موسم خزاں میں پتے جھڑتے ہیں اور درخت نیا لبادہ پہننے کی تیاری کرتے ہیں. دن اور رات کے اس الٹ پھیر اور موسموں کے اس آنے جانے ہی سے کائنات کی رنگینی قائم ہے. اس نظام کے انتہائی مربوط ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق بہت دانا اور حکمت والا ہے. ہمیں اسی کو آقا اور اسی کو پالنہار مان کر اسی کی عبادت کرنی چاہیے. نت نئے واقعات اور پیش آنے والے احوال سے عبرت حاصل کرنا اور سبق لینا روشن ذہنوں کا خاصہ اور بصیرت مندی کی علامت ہے. انعامات خداوندی اور مظاہر قدرت سے سبق حاصل کرنے کا عمل انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے اور تباہی سے نجات دلاتا ہے. نیز اس سے انسان کو نیک اور باصلاحیت لوگوں کے راستے پر چلنے کی رہنمائی ملتی ہے اور اس کے لیے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے شب و روز
और माह साल की तब्दीली से इबरत हासिल करे और ये जान ले कि वो अल्लाह कितना ताकत और कुदरत वाला है जो दिन और रात में तब्दीली करता है। जैसा कि इरशाद बारी है, बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें आफताब सा चराग और जगमगाता चांद बना दिया। वही है जिसने रात और दिन को यके बाद दीगरे आने वाला बनाया। उनके लिए जो याद दहानी हासिल करना चाहे या शुक्रगुजार बनना चाहे। मारूफ मुफस्सिर कुरान हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह युकल्लिबुल लैल वन नहार की तफसीर में लिखते हैं कि वो यानी अल्लाह पाक दिन रात में तसर्रुफ तब्दीली करता है, चुनाचे उसको लंबा करता और उसको छोटा करता है, यहाँ तक कि दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर शबो रोज में जो लंबा था वो छोटा होना शुरू हो जाता है और जो छोटा था वो लंबा होने लगता है, और अल्लाह ही अपने हुक्म, अपनी ताकत, गलबे और इल्म से इनमें तब्दीली लाता है। बिलाशुबा इसमें अल्लाह ताला की अजमत की दलील है। हम जरा इस बात का सिर्फ तसव्वुर करें कि अगर हमेशा एक ही मौसम और एक ही दर्जे हरारत और बुरूदत रहते तो इस दुनिया में इंतिशार बरपा हो जाए, बदमजगी और बेरंगी पैदा हो जाए, वक्त गुजरने का एहसास खत्म हो जाए और रंज की कैफियत कभी राहत में बदलने ना पाए। गौर किया जाए तो साल के इन चारों मौसमों में बंदे मोमिन के लिए उसके ईमान और आमाल, रहन सहन, चाल ढाल और तब्दीली इनकलाब से मुतअल्लिक सबक आमोजी के ऐसे मज़ाहिर मौजूद हैं जिनमें गौर व खोज करके वो दुनिया और आखरत संवार सकता है। अलबत्ता अक्सर लोग इन चीजों से नावाकिफियत की बिना पर बगैर इबरत व मौइज़त के हर मौसम यूं ही सरसरी गुजार देते हैं। यहाँ ये बात भी अर्ज करता चलूं कि मौसम सरमा में शिद्दत की सर्दी और मौसम गर्मा में शिद्दत की गर्मी जहन्नम की सांस की वजह से है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम ने अपने रब के पास शिकायत की, चुनाचे कहा, आलतिन नार रब्बी अकल बाजी बाजा फअज़न ली अतनफस फअज़न लहा बिनफसैन नफसिन फिश्शिता व नफसिन फिस्सैफ फमा वजदतुम मिन बर्दिन औ ज़म्हरीरिन फमिन नफसि जहन्नम व मा वजदतुम मिन हर्रिन औ हरूरिन फमिन नफसि जहन्नम। कि जहन्नम ने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, मेरे एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खाया तो अल्लाह ने उसको दो सांसों की इजाजत दी, एक सांस सरमा में और दूसरी सांस गर्मा में, चुनाचे यही वो शिद्दत की गर्मी है और वो शिद्दत की सर्दी जिसे तुम महसूस करते हो। यही वजह है कि अल्लाह ताला जन्नतियों को शिद्दत सर्दी और शिद्दत गर्मी से महफूज रखेगा। जैसा कि इरशाद बारी है, ला यरौन फीहा शमसं वला ज़म्हरीरा, मौसम सरमा की आमद के साथ ही सर्दी से बचने के इकदामात किए जाने चाहिए ताकि सर्दी के मुजिर असरात से बचा जाए। चुनाचे अल्लाह ने सर्दी से बचने के लिए हमें असबाब अता किए हैं और गर्मी हासिल करने के उन असबाब को बतौर एहसान जिक्र फरमाते हुए कहा है, वल अनआम खलकहा लकुम फीहा दिफ़ व मनाफिउ व मिन्हा ताकुलून, और उसी ने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास यानी असबाब हैं और भी बहुत से मुनाफे हैं, और फरमाया,
और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकूनत की जगह बना दी है और उन चौपायों की ऊन रुई और बालों से उसने बहुत से सामान और एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए फायदे की चीजें बनाई। इन दोनों आयात से मालूम होता है कि गर्मी देने वाले असबाब अल्लाह की नेमत हैं, जिन्हें बगैर किसी तरद्दुद के इस्तेमाल करना चाहिए और उनके इस्तेमाल के वक्त अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का मामूल था कि वो हुकूमती सतह पर अपनी रियाया को ये हुक्म भेजते थे, मौसम सरमा आ चुका है, लिहाजा तुम ऊन के कपड़े मोजे वगैरह पहनकर इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सर्दी दुश्मन है जो जल्दी दाखिल होती है जबकि देर से निकलती है। हाफिज इब्ने रजब ने कहा कि ये उमर रजी अल्लाह अन की अपनी रियाया के साथ मुकम्मल खैरखाही, हुस्न निगरानी, शफ़क़त और एहतिमाम की बय्यिन दलील है। इस्लाम वो कामिल मुकम्मल मजहब जो इंसानियत की तालीम देता है। इस्लाम के बगैर इंसानियत नवाजी का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि दीन इस्लाम में जहां अपनी जात से मुताल्लिक हुकूक बयान किए गए, वहीं दूसरों के हवाले से आयद होने वाले फराइज की निशानदही भी की गई। लिहाजा मौसम सरमा की मुनासिबत से हम उन फाका कश, नीम बरहना मुहताजों, फकीरों और मिस्कीनों को हरगिज ना भूलें जो तंगदस्ती और परेशानी की वजह से सर्दी की ठंडी रातों में ठिठर कर रह जाते हैं और गर्मी हासिल करने का कोई सामान नहीं पाते। ये मौसम सरमा में हमारे भाई कई तरह की मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर सर्दी से बचाव के लिए जलाई गई आग की वारदातें रूनमा हो जाती हैं। तरह तरह की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। मेहनत मजदूरी, तिजारत कारोबार वगैरह जैसे माशी असबाब का सिलसिला भी किसी कदर सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से मुहताजों और हाजतमंदों की तादाद भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें बकुदरत इस्तेताअत गरीबों, मुहताजों, बेवाओं, मिस्कीनों, यतीमों और नादारों की मदद करके अपनी आखरत का सामान करना चाहिए और साथ ही साथ इंसान दोस्ती का सबूत भी पेश करना चाहिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक के बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। इसके साथ साथ हम जाड़े के इस मौसम को गनीमत जानें और एक एक लम्हे को कदरदानी के साथ गुजारने की कोशिश करें। एक रिवायत में जाड़े को मोमिन के लिए मौसम बहार करार दिया गया। चुनांचे हदीस शरीफ है, अन अबी सईद अल-खुदरी रजी अल्लाह अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाड़ा मोमिन के लिए बहार का मौसम है कि इस मौसम की रातें लंबी होती हैं तो मोमिन उनमें क़याम करता है और दिन छोटे होते हैं तो मोमिन इनमें रोज़ा रख लेता है। सर्दियां मोमिन के लिए मौसम बहार इस वजह से है कि मोमिन इस मौसम में इबादतों के बागात में खूब मेवे खाता है, रियाजत के मैदानों की सैर करता है, जैसा कि मवेशी मौसम बहार की चरागाह में चरते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं और अपने जिस्मों की इसलाह कर लेते हैं, इसी तरह से मोमिन के दीन की भी सर्दियों में ऐसी ताअत बजा लाने से इसलाह हो जाती है, जिनकी हक ताला शानहू ने इसे तौफीक दी है कि मोमिन
موسم سرما میں بغیر تکلیف اور مشقت کے روزہ رکھ لیتا ہے، اسے بھوک اور پیاس نہیں ستاتی کہ دن چھوٹے چھوٹے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس طرح اسے روزے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب سردیوں کا موسم آتا تو کہتے، اے قرآن والو، تمہاری راتیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے طویل ہو گئی، بس تم قرآن میں وقت گزارو اور روزے رکھنے کے لیے دن چھوٹے ہو گئے، لہذا تم روزہ رکھو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو میں اگر شہد کی مکھی بھی بن جاتا تو پرواہ نہ ہوتی۔ گرمیوں کی دوپہر کی پیاس، سردیوں کی راتوں کا قیام اور تہجد میں قرآن پڑھنے کی لذت۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاڑے میں روزے رکھنا غنیمت باردہ حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں غنیمت باردہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا، ضرور۔ تو فرمایا کہ سردیوں میں روزے رکھنا غنیمت باردہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غنیمت جو بغیر کسی جھگڑے اور تھکن اور تعب کے حاصل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ موسم سرما مبارک ہو کہ اس میں برکت نازل ہوتی ہے، قیام کے لیے رات طویل ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا، مومن کا بہترین زمانہ سردیوں کا زمانہ ہے، رات طویل ہوتی ہے کہ اس میں قیام کرتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھ لیتا ہے۔ سردیوں کی راتوں میں قیام کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور نفس پر بھاری ہے، جس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی کو جاڑے کی شدت میں بستر چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ داؤد بن رشید کہتے ہیں کہ میرے ایک بھائی شدت کی سردی میں ایک رات نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ان پر دو بوسیدہ کپڑے تھے، جب انہیں سردی نے ستایا تو رونے لگے۔ ایک پکارنے والے نے ان سے کہا، ہم نے تجھ کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کیا اور دوسروں کو سلائے رکھا، پھر بھی تو ہمارے سامنے رو رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جاڑے کی شدت میں پورا وضو کرنے میں نفس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور سردی کی شدت میں کامل وضو کرنا اعمال میں افضل عمل ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جس کے سبب سے اللہ تعالی خطاؤں کو مٹا دے اور درجات بلند کر دے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نفس کی تکلیف کے وقت وضو کو پورا کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار تعالی کی خواب میں زیارت کی، اللہ تعالی نے فرمایا، یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی؟ قلت نعم، قال فی الکفارات، والکفارات المبث فی المساجد بعد الصلوات والمشی علی الاقدام الى الجماعات واسباغ الوضوء فی المکاره ومن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیئته کیوم ولدته امه۔ اے محمد، ملائے اعلیٰ کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، درجات اور کفارات میں۔ فرمایا، کفارات یعنی جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں،
वो नापसंदीदगी के वक्त वुजू को पूरा करना, कदमों का जुमे की नमाज के लिए, और एक रिवायत में है जमात से नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चलना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में रहना। जिसने ये काम किए वो खैर के साथ जिंदगी गुजारेगा और खैर के साथ मरेगा और अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसा कि उसकी माँ ने उसे अभी जना। मुख्तसर ये है कि सर्दी का मौसम अपने अंदर बहुत से फायदे रखता है जिनका इहाता तो नहीं किया जा सकता। अलबत्ता बयान करदा तफसील को पेशे नजर रखते हुए इख्तिसार के साथ नंबर वार कुछ बड़े और वाज़े फवाइद जिक्र करने पर इक्तिफा करता हूँ। सबसे पहला फायदा कि बदलते मौसम और रात और दिन के लंबे और छोटे होने में कुदरत की निशानियों और अजाइबात में गौर करने का मौका मिलता है। और दूसरा फायदा है कि रातें लंबी होने की वजह से उनमें तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाता है। तीसरा कि दिन मुख्तसर और छोटे होने की वजह से इनमें रोजा रखना आसान हो जाता है, लिहाजा इसमें कज़ा रोजे रखे जा सकते हैं। नफली रोजे रख कर रोजे के अजीम और बड़े फवाइद को हासिल किया जा सकता है। और चौथा फायदा ये है कि कुदरत की एक अजीम तरीन नेमत यानी सूरज और उसकी धूप से हासिल होने वाली तपिश की नेमत का एहसास होता है। और पांचवा फायदा ये है कि मौसम सरमा की बहुत सी सब्जियों, फलों और बहुत सी ऐसी पैदावार जो मौसम सरमा के साथ खास हैं उनके हुसूल का फायदा होता है जो साल के दूसरे मौसम में दस्तियाब नहीं होती। छठा फायदा यह है कि सर्दी के वुजू और उसकी ठंडी रातों में किए जाने वाले गुस्ल जनाबत का खुसूसी अज्र मिलता है और उसके जरिए दरजात की बुलंदी नसीब होती है। और सातवा एक मुख्तसर सा फायदा यह है कि नरम और गरम मिस्तरों को छोड़कर नमाज के लिए उठने और मस्जिदों की जानिब जाने से अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल होती है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम जिंदगी को इस्लामी तालीमात के सांचे में ढालें। नीज दिन और रात की तब्दीलियों और माह और साल की गर्दिशों से सबक लेने की कोशिश करें। इनकलाब जहां वाइज रब है, सुन लो हर तगैयों से सदा आती है फफ हम। इसलिए मेरे भाइयों, ये मौसम सरमा ये बड़ा ही अल्लाह की नेमतों वाला मौसम है। इस मौसम के अंदर हमें अपना भी ख्याल रखना है और अपने साथ साथ हमें अपने आस पड़ोस वालों का, जो ज़रूरतमंद है, जो मोहताज है, जिनको इतनी इस्तेआत नहीं है कि वो इस सर्दी के मौसम में अपने आप को सर्दी से बचा सके, तो हमारी ये जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हम अपना ख्याल रखते हैं, हम गरीबों का, मोहताजों का, जो ज़रूरतमंद है, उनका भी इस सर्दी के मौसम के अंदर ख्याल रखें। अल्लाह ने हमको दे रखा है तो जिस तरीके से हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, इस तरीके से अपने ज़रूरतमंद जो रिश्तेदार हैं या जो हमारे जान पहचान के हो या ना हो, ज़रूरतमंद अगर है और वो हमारे पास आते हैं या वो हमारे पास नहीं आते लेकिन हमको मालूम है कि उनको इस मौसम के अंदर उनको इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो हद तर इम्कान उनकी मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को कही गई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।